ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आप लोग IRCTC पे न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से आप लोग ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है IRCTC। तो आप सामने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप देखने को मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन करना है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, यानी कि IRCTC पे न्यू अकाउंट किस प्रकार आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ID यहाँ पे यानी कि यूजर ID फिल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यूजर नेम पासवर्ड इसके बाद कैप्चर फिल कर लिया हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर पिन करना है, यानी कि 4 डिजिट का पिन आपको सेट करना है। इसके बाद मैंने 2468 मैंने पिन डाल दिया हूँ। इसके बाद कंफर्म पिन करना है, तो मैंने कंफर्म पिन भी कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, इसके बाद ओके कर देना है। यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो सिंपल आपको पिन कोड डालना होगा, इसके बाद ईजिली आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद आपको ट्रेन टिकट बुक करना था, इसके लिए प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कोटा सेलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी जनरल कोटा सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, तो जिस डेट में आपको टिकट बुक करना है टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको टिकट बुक करना है तो यहाँ से सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ट्रेन पे क्लिक करने के बाद इस डेट में जितने भी ट्रेन होंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन काफ़ी सारे सीट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बिहार संपर्क क्रांति 02566 में, यहाँ पे देख सकते 2S क्लास में आपको 261 सीट अवेलेबल है। इसके बाद स्लीपर क्लास में 212 सीट अवेलेबल है। सिंपल हमें स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है, तो स्लीपर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद IAGREE पर क्लिक करना है। IAGREE पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू, सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद पैसेंजर का जो भी नाम है यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉरी हिंदी सेलेक्ट हो गया, तो इसे हमें इंग्लिश में हमें टाइप करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एज सेलेक्ट करना है, जो भी आपको एज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने पैसेंजर डिटेल का नाम यानी पैसेंजर का नाम एक ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग 6 नाम एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। अगर सेकेंड नाम ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो इजीली मेरे को ऐड नहीं करना। इसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फेल है, यदि यहाँ पर एक चेंज करना चाह रहे थे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पर आपको जाना है। तो मैं फ़िलहाल में एड्रेस फिल कर लेता हूँ। इसके बाद एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन और इसके बाद फोर्थ लाइन में आपको पिन कोड डालना है, तो मैं पिन कोड भी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI से पेमेंट करना है तो UPI सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास पेटीएम है या फिर नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है, तो मैं कैप्चर फटाफट फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली पेमेंट पे आ चुके हैं। इसके बाद वॉलेट से पेमेंट करना है तो वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेटीएम IRCTC जियो मनी एयरटेल मोबीक्विक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वॉलेट पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं वॉलेट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग सिंपल क्लिक करेंगे। इसके बाद पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जिससे भी आपको पेमेंट करना है इजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अपने मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।